भाई जल्दी कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो करबला के तप्त रेगिस्तान में अपने सिर्फ 72 साथियों समेत जो है वो एक अजीम कुर्बानी पेश की, न सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने के लिए, जो हमेशा तक जो है वो जब तक इंसानियत बाकी है तो उनका जो है जिक्र बाकी रहेगा। जुलूस के हवाले से ये आपको अर्ज करता चलूँगी कि क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोविड का 19 का दौर था और लोग जो है वो जुलूस नहीं निकाल पा रहे थे, आ नहीं सकते थे, और अब जो है इस बार थोड़ी सी मोहलत मिली है, तो जाहिर सी बात है लोगों का जो जोश और जज्बा जो है वो देखने के काबिल है, आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो है वो हमारे DIG साहब जो हैं डॉक्टर हसीब साहब, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद रजौरी से यहाँ, और ये भी जो है एक अहमियत की हामिल बात है, और ये भी एक पैगाम जाता है इत्तेहाद का कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरी तरह है और तमाम मजहबों के लोग, तमाम मसलकों के लोग, पूरी इंसानियत जो है वो इस दिन को मनाती है और बड़े एहतराम के साथ मनाती है, क्योंकि हुसैनियत का पैगाम जो है इंसानियत का पैगाम है, और इस में जो है वो अहतमाम जो होता है, जो उलमा हजरात जो है पाए से पीछे जाते हैं, हमारे लोकल आलम दीन होते हैं, लोकल जो है हमारे ज़िम्मेदार लोग वो भी इसमें शामिल होते हैं, तो वो सबको जो ये पैगाम देते हैं कि भाई ये इंतज़ाम जो है वो बहुत बढ़िया हैं। ज़ाहिर सी बात है खुद अगर DIG साहब साथ में मौजूद होंगे तो उससे जो है वो फ़र्क तो पड़ेगा और देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और इसके लिए जो है वो मैं तमाम अंजुमनों की तरफ से जो है मिल जुमला एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारा पूरा जो है वो सहयोग दिया, हमें कोऑपरेट किया और इस दिन को मनाने के लिए जो है वो हमारा साथ दिया। मैं तमाम अंजुमनों की तरफ से, ज़िला पुलिस की तमाम अंजुमनों की तरफ से, खसूसी तौर पर अंजुमन जाफिया सुन कोर्ट की तरफ से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफराद का जो इसमें शरीक है उनका शुक्रगुजार हूँ, और तमाम लोग बिला लिहाज मजहब मिलत जो भी यहाँ पर शिमला है उन सबका शुक्रिया। ये दुआ करता हूँ कि जो है अल्लाह हुसैन के सदस्य सबको जो है राह रास्त से लाए और हम सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो ताकि हम इज्जत की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें।